जेल में इतनी मतलब पांच पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताऊं। बहुत टॉर्चर किया, फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे, वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है, जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा। कोरोना वायरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, ब्राजील को भी छोड़ देंगे। श्री नरेंद्र मोदी के जी के दोस्त ट्रंप साहब और ये इंडिया फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रह गया है। 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें, हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा पटला रात को डंडे से मारो, गांड लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। मथुरा की नगरी के राधे राधे, आठ महीने का टॉर्चर, और सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हों, चाहे प्रार्थना की हों, चाहे मंदिर गए हों, गुरुद्वारा गए हों, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना तो इस बार जेल में इतनी मतलब पांच पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताऊं। आपको अगर कहा जाए, खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं, पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीज़न दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एक एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है डॉक्टर कफील ने, हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ जरूर है, NTCA के खिलाफ बोला है, NRC के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के, अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबसे भाई मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया, STF की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का,
मैं कहां से पाउडर बना लूंगा? कोरोना की बात कर रहे हैं क्या? तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग हमने कर लाई, सुना दीजिए एक भी सबूत आपके पास हो तो। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया? अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है? तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया, फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जगह रखा जहां पे 150 कैदी थे। वो 9 महीने का बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजिडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था, उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा, पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है, जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा। और आप सबकी दुआएं काम आई, आज आपके साथ हूं फिर से दोबारा। बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई? क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि बाल हट मत करो, इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में। बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कोरोना के टाइम जब इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी, 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ कहा, बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिंटेंडेंट जी के द्वारा भिजवाया, और उसमें साफ कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकते, हमारा भारत देश ऐसा है, क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक एक घर में चार चार लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं, जैदू भाई जी तो उसमें रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दूरी, 2 गज की दूरी रहो कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए। कितने माइग्रेंट बेचारे चलते चलते मर गए, ट्रेनों में दब गए, गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की। कोरोना वायरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, ब्राजील को भी छोड़ देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब और ये इंडिया फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे रह गया है। 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के, पूरा नहा के, पूरा बिस्तर बिछा के, बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआ, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। किस तरह से जिंदगी गुजरी है, और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है, पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। गोपाल दीक्षित जी
शेखर जी, मैं हयस कर रहा हूँ अपनी सेहत, अब तो कुछ बनाऊंगा। वहां तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी। तो मेरी बच्ची, मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था। आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब BID में 70 बच्चे मरे थे, और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। और जब 9 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया, अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था, तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बू जान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। तो मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज़ है जो फैलती ही रहेगी। मैंने उस वक्त 19 मार्च को ही लिख दिया था कि 30 से 40 लाख लोग उस वक्त मैंने एस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे, और ऑलरेडी 30 से 40 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, और अभी ये रुकेगा नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा लपटा रात को डंडे से मारो, गांड लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो।